नाइन्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, ये क्या हो गया? भाग्य का लॉर्ड संतान में जाके बैठा, दैट मीन्स कि बच्चा, व्यक्ति का अगर बच्चा होगा या फिर मंत्र होगा, मंत्र मिलते ही भाग्यशाली हो जाएगा। वेन एवर देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइन्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस, द मोमेंट यू विल गेट योर मंत्र यू विल बिकम वेरी वेरी लकी, राइट? फर्स्ट। सेकेंड इज आफ्टर द संतान यू विल बिकम वेरी लकी। अभी तक हमने जितने रिश्ते देखे वो हमसे पहले के पैदा हुए रिश्ते थे, अदर देन छोटा भाई, राइट? कि कुल था, माँ थी, ये तो फ्यूचर का रिश्ता है। सो दैट मीन्स मेरा भाग्य का लॉर्ड कहाँ चला गया? मेरी संतान में चला गया। दैट मीन्स द पर्सन विल बिकम वेरी लकी एंड देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइन एंड फाइव द मोमेंट द चाइल्ड विल कम और द मंत्र विल कम। सेकेंड, द एजुकेशन ऑफ द पर्सन will be very helpful in making him lucky, right? Because there is a 9-5 combination, so the person will be very talented. The child of the person will be very, है ना? दूसरा, नौवा स्थान जहाँ पर बैठता है वहां से आपको मदद मिलती है, राइट? अभी तक अपन यही देख रहे हैं कि वहां से मदद मिलती है, तो बच्चे जो है उस व्यक्ति के उसको बहुत सहयोग करते हैं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो यह है कि नाइन्थ का पंचम से संबंध स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एजुकेशन के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, गुरु का साधना करने के लिए और फेम के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है? दीज पीपल कैन बिकम वेरी गुड कंसल्टेंट और द एडवाइजर, बिकॉज नाइन्थ हाउस और पंचम दोनों ही एडवाइसेस के स्थान है या एजुकेशन पब्लिकेशन के स्थान। हायर एजुकेशन तो दे गई, नौवे स्थान का लॉर्ड पंचम में होगा तो सुपर एजुकेशन द पर्सन कैन गेट। ओके, वीक हो गया तो जस्ट जनरली सब कुछ चीजें उल्टी होंगी अगर वीक होगा तो जाकर। सो वेरी गुड कॉम्बिनेशन, नाइन्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। If you want to check spirituality of the person, you have to check whether the person is having combination between 5th, 9th, 8th and 12th. जैसे पंचम का लॉर्ड नवम में, पंचम नवम आपस में, अष्टम का लॉर्ड नवम में, नाइन्थ का लॉर्ड अष्टम में, नाइन्थ का लॉर्ड ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ का लॉर्ड पंचम में, ये चारों स्थान जो हैं, इनका कुछ संबंध बन जाता है तो अच्छा आध्यात्मिक रिजल्ट आता है। दूसरा, व्हेनेवर 5th, 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बनेगा, इट इज नॉट ओनली स्पिरिचुअलिटी, इट विल गिव यू लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, लॉट ऑफ मनी। जितना जितना मंत्र या एजुकेशन, एक नॉर्मल इंसान के लिए एजुकेशन और एक साधु के लिए या धार्मिक व्यक्ति के लिए मंत्र गहरा होता जाएगा, उतना उतना भाग्य वृद्धि होती जाएगी। तो दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ओनली फॉर अ स्पिरिचुअल पर्सन, दिस मेक्स अ पर्सन वेरी रिच ऑल्सो, वेरी रिच ऑल्सो आफ्टर आइदर द मंत्र इनिशिएशन और द संता, दोनों केस में जो भी एप्लीकेबल।